जल संरक्षण के लिए जहानाबाद के विकास विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ने छेड़ी मुहिम। जी हां, देश में गिरते जल स्तर को देखकर जगह जगह जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हुए समाज सेवी जल संरक्षण करने की अपील कर रहे हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद अंतर्गत जहानाबाद कस्बे में संचालित विकास विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में भू जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के बच्चों ने कस्बे में प्रभात फेरी निकालते हुए आम जनमानस से जल संरक्षण करने की अपील की। विद्यालय के प्रधानाचार्य इंद्रपाल उत्तम की अगुवाई में पूरे कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने नारेबाजी करते हुए स्लोगन पट्टी के माध्यम से जल को एक स्थान पर एकत्र करने के लिए जागरूक किया। वहीं आम जनमानस से भू जल संरक्षण के साथ साथ वृक्षारोपण करने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस मौके पर विद्यालय के संचालक विवेक उत्तम वीना, शिक्षक हेमंत श्रीवास्तव, परदेसी राम किशोर पाल, संजय गुप्ता, राम सचान, दुर्गा प्रसाद कुशवाहा, ऋषि पांडे, गोविंद प्रमोद, शिवम प्रभार सहित विद्यालय के सभी शिक्षक तथा छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर संवाददाता निर्मित द्विवेदी के साथ। जैसा कि भूजल संरक्षण सप्ताह आरंभ हो गया है, आप भूजल संरक्षण सप्ताह के बारे में, भूजल संरक्षण अधिनियम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भूजल संरक्षण, अगर हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो इससे हर मानव, हर जीव जंतु इससे प्रभावित होगा। इसलिए हमें जल का संचय करना अति आवश्यक है। जब तक हम इसे संचय नहीं करेंगे, हर व्यक्ति इसकी परेशानी से भूजल संचय कैसे करें? भूजल संचय हम यदि खेतों की सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें छोटी छोटी क्यारियाँ यदि बना दी जाए तो हो सकता है कि उसमें जल ज़्यादा बर्बाद ना हो, और नालियाँ पानी ले जाने वाली पक्की होना चाहिए जिससे व्यर्थ में पानी बर्बाद ना हो।